Good morning everyone. My name is Manish Kumar Lohia and I am going to teach you science. So this is our second lecture. First lecture में हमने देखा था properties of atom क्या होते हैं. इसमें हमें देखना है, इसे example समझना है. यहाँ पे note है, mixing of ink with water. What will happen when we mix ink in water? जब ink को water में mix किया जाता है तो क्या होता है वो देखना है. तो देखिए, जैसे ये कंटेनर है, इसमें हमने वाटर फिल कर लिया है, ये वाटर है और ये इंक है. तो जब इंक को हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो होता क्या है, आप जानते हो कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होती है और वो मोशन करते हैं कंटिन्यू. तो जो पार्टिकल है ये मोशन करते रहते हैं, मोशन करते करते ये पार्टिकल इंक के पार्टिकल पर ऐसे स्ट्राइक करते हैं, इस तरीके से स्ट्राइक किए तो ये वाला पार्टिकल जो इंक का है ये पूरे वाटर में बिखर जाता है. जैसे हम लोग कैरम खेलते हैं ना, तो स्टाइगर से हिट करते हैं तो पूरा किट बिखर जाता है. तो उसी तरीके से ये इंक के पार्टिकल पूरे के पूरे वाटर में बिखर जाते हैं. तो इस तरीके से ये सारे वाटर में इंक के पार्टिकल पहुंच गए अंदर तक, तो वाटर का जो कलर है वो इंक के जैसा हो जाता है, मतलब वाटर का कलर चेंज हो जाता है, जो भी है आपका इंक का कलर उस कलर का हो जाएगा. तो इसमें होता क्या है, द टाइनी पार्टिकल ऑफ वाटर कोलाइड विथ टाइनी पार्टिकल ऑफ इंक. ड्यू टू दिस कोलिजन पार्टिकल ऑफ वाटर एंड इंक मिक्स विथ ईच अदर एंड दिस एक्सपेरिमेंट प्रूफ. इस एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूफ क्या होता है वो देखना है. फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं. सेकेंड है, दे आर डूइंग ब्राउनियन मोशन, मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्राउनियन मोशन करते हैं. ब्राउनियन मोशन क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं. चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है डिफ्यूजन. हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस ड्यू टू ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन. जब हम दो डिफरेंट सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन. जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसमें कोई गैस रखा हुआ है ए, एक कंटेनर ये है इसमें कोई गैस रखा हुआ है बी. इस गैस को इसमें हम मिक्स करेंगे तो दोनों गैस आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि डिफ्यूजन हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, जैसे इंक में हो रहा था. और नोट करने वाली बात यह है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज ब्राउनियन मोशन इंक्रीज एंड डिफ्यूजन बिकम फास्ट. मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ब्राउनियन मोशन इंक्रीज होता है और डिफ्यूजन फास्ट होने लगता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको देखना है स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम लोग बात करें तो मैटर के थ्री स्टेट हैं जनरली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड का एग्जांपल देखिए, ब्रिक्स हो गया, पेन हो गया, वॉल हो गया, टेबल हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड. लिक्विड क्या होते हैं, जो सब्सटेंस वाटर के जैसे फ्लो करते हैं उसे हम लोग लिक्विड बोलते हैं. तो लिक्विड आर सब्सटेंस विच कैन फ्लो, एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, ब्लड एट्सेट्रा. गैस की बात करें, गैस क्या होते हैं, तो जो चीज़ें एयर में ऊपर की तरफ चली जाती हैं उसको हम लोग गैस बोलते हैं. जैसे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, स्टीम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, स्मोक हो गया, वगैरह वगैरह. अब अगर हम लोग अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही पास होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है या नहीं होता, क्लोजली पैक होते हैं. अगर हम बात करें लिक्विड के, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ दूर दूर होते हैं, मतलब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है. अगर हम बात करें गैस में, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है. तो सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होता है, गैस में होता है. सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में होता है. यस, सो वेरी लेस स्पेसिंग, वीक मोर स्पेसिंग एंड वेरी लार्ज स्पेसिंग, दिस इज द डिफरेंट बिटवीन दीज थ्री. अगर हम लोग बात करें अट्रैक्शन फोर्स का, तो सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है. क्यों ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है. और ये भी आप लोग जानते हैं कि जब पार्टिकल बहुत पास होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, और जब पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा. तो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं इसीलिए अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है.
लिक्विड में एट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से कम होता है क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा होता है। गैस की बात करें तो गैस में एट्रैक्शन फोर्स वेरी वेरी वीक होता है, इसमें एट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग एट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो स्ट्रांग एट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, लिक्विड में देखें तो वीक एट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, और अगर गैस में देखें तो वेरी वीक एट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। ओके, क्लियर इतना? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अगर सॉलिड में तो देखते हैं इसमें क्या है, पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजिशन, मतलब सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने प्लेस पे केवल केवल वाइब्रेट करते हैं। जैसे ये पार्टिकल्स है तो ये पार्टिकल्स केवल वाइब्रेट करेगा लाइक दिस, प्लेस नहीं चेंज करेगा अपना, उसी प्लेस पे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, क्यों प्लेस चेंज नहीं करेगा? क्योंकि सॉलिड में एट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है तो बगल के मॉलिक्यूल्स इसको दूर जाने नहीं देते। लेकिन लिक्विड की बात करें तो पार्टिकल कैन मूव अराउंड, पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी चारों तरफ मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस होता है और एट्रैक्शन फोर्स कम होता है कंपेरिजन टू सॉलिड। गैस की बात करें तो पार्टिकल मूव अराउंड वेरी इजली, इसमें पार्टिकल बहुत आसानी से चारों तरफ मूव कर सकते हैं क्योंकि गैस में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे कम होता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो मोशन के कारण जो उसके पास एनर्जी होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, अपने प्लेस पे ही मूव करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम है, लेस है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा सा और मूव कर जाते हैं ड्यू टू वीक अट्रैक्शन फोर्स, तो काइनेटिक एनर्जी मोर होता है सॉलिड से। लेकिन गैस की बात करें तो गैस में पार्टिकल बहुत ज़्यादा मूव कर जाते हैं, जितना स्पेस पाएंगे मूव करते रहेंगे, फैलते रहेंगे, तो गैस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो पूछा गया काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो इजीली मूव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी सबसे कम किस में होता है? तो सॉलिड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना है फिलिंग कंटेनर। अगर किसी कंटेनर में ये सॉलिड है, हम सॉलिड को फिल रख दें यहाँ पे, तो ये सॉलिड पूरा का पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई नहीं करता, बहुत सारा स्पेस खाली रहता है। लेकिन और अगर हम लिक्विड किसी कंटेनर में फिर कर दें तो जैसे लिक्विड यहाँ तक है तो यहीं पे रहेगा, पूरा का पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई नहीं करेगा। लेकिन अगर हम किसी कंटेनर में गैस फिल कर दें, अगर किसी कंटेनर में गैस फिल कर दें तो क्या होता है, जो गैस होता है ये पूरा का पूरा कंटेनर में जितना भी वॉल्यूम है सबको ऑक्यूपाई कर लेता है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं ईजिली, तो ये पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता। तो इस पॉइंट को समझेंगे, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन बिटवीन द टाइनी पार्टिकल्स इन गैसेस इज वेरी लेस। गैस में जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। ड्यू टू दिस पार्टिकल इन गैसेस कैन ईजिली मूव अवे। तो गैस में जो पार्टिकल होते हैं आसानी से मूव कर सकते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड दस फिलिंग द कंटेनर। इस प्रकार से पूरे कंटेनर को फिल कर लेते हैं। बट इन सॉलिड एंड लिक्विड एट्रैक्शन फोर्स इज सफिशियंट इनफ फॉर नॉट लिफ्टिंग द पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल को अपने से दूर नहीं जाने देता क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं शेप एंड वैल्यू। तो सॉलिड लिक्विड और गैस की देखें तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है। पहले अगर हम लोग शेप की बात करें तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, ये पेन सॉलिड है, तो इस पेन को हम चाहे जहाँ पे इसको रखें चाहे जहाँ प्लेस करें इसका शेप ऐसे ही रहेगा। हमारे पास कोई एक स्टोन का पीस है लाइक दिस, तो इस स्टोन के पीस को हम चाहे जहाँ रखें, चाहे बैग में रखें, चाहे ग्लास में रखें, चाहे यहाँ रखें, इसका शेप ऐसे ही रहेगा, मतलब शेप चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स होता है। तो हम बोलते हैं सॉलिड का शेप फिक्स होता है। वॉल्यूम भी उसका फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे रखा हमने टेबल पे, जैसे ये टेबल है, टेबल पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो जितना वॉल्यूम यहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है इतना ही वॉल्यूम ये सॉलिड कहीं और अगर रखते हैं तो वहाँ भी ऑक्यूपाई करेगा।
तो जो सॉलिड होते हैं उनका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें गैस की, अगर हम बात करें गैस का या हम बात करें लिक्विड का, तो जो लिक्विड होते हैं इनका शेप फिक्स नहीं होता, ये जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं। जैसे अगर हम लोग वाटर को ग्लास में रखें तो वाटर ग्लास का शेप ले लेगा, वाटर को एक कटोरे में रखते हैं तो कटोरे का शेप ले लेगा, बकेट में रखेंगे बकेट का शेप ले लेगा। इट मींस जिस कंटेनर में वाटर जाते हैं वो उसी का शेप ले लेते हैं, बॉटल में रखोगे तो बॉटल का शेप ले लेगा। तो इनका शेप चेंज होता रहता है, तो हम बोलते हैं लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। यही चीज गैस के साथ भी होता है। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने 500 ml लिक्विड को लिया, किसमें लिया हमने, ग्लास में। तो अगर उसी लिक्विड को हम एक कटोरे में डालते हैं तो वहां पर लिक्विड इतना ही रहेगा, कम या ज्यादा नहीं होगा, तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, बट इसका शेप फिक्स नहीं होता। तो लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं गैस का, तो गैस का शेप चेंज होता रहता है, जिस कंटेनर में डालते हैं उसी का शेप ये ले लेता है, तो शेप फिक्स नहीं होता और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। जैसे हम गैस को अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डालते हैं तो थोड़ा वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो जाता है, कम होता है, निकल जाता है इधर उधर। तो गैस में दोनों चीज़ें फिक्स नहीं होती। तो समझेंगे इसको, शेप की बात करें तो ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल इन लिक्विड एंड गैस कैन ईजिली मूव। लिक्विड और गैस में देखा जाए तो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, जिसके कारण बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं अराउंड अपनी चारों तरफ। दस दे कैन टेक अप एनी शेप एज पर लाइक कंटेनर। वो जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं, ठीक। लेकिन सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करें वॉल्यूम का, तो गैसेज हैव सो लिटिल अट्रैक्शन एमंग पार्टिकल। गैस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, दैट दे कैन ईजिली स्पेसिंग बिटवीन देमसेल्फ। ये आपस में बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, सो दे कैन ईजिली चेंज देयर वॉल्यूम। तो गैस का वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है, मतलब जितना वॉल्यूम पाएंगे उतने वॉल्यूम में फैलते चले जाएंगे। अगर एक छोटा सा कंटेनर है तो यहाँ भी गैस भरेंगे तो पूरा फिल हो जाएगा, अगर हम लोग एक बड़ा कंटेनर लेंगे तो यहाँ भी एक कंटेनर पूरा गैस से फिल रहेगा, मतलब जो वॉल्यूम होता है इसका चेंज होता रहता है, ठीक। तो यहाँ तक बात हो गई, इतना आप लोग नोट कर लेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में डालेंगे, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। चलिए इतना रेडी करेंगे, थैंक यू।